हेलो फ्रेंड्स आज हम एक सीरीज प्रोग्राम देखेंगे सी में तो सीरीज प्रोग्राम सबसे पहले तो सीरीज समझते क्या है ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है ये आपका ये रहा और ये दूसरा एग्जाम्पल है दोनों सीम है बेसिकली क्या है ये दोनों फैक्टोरियल है फैक्टोरियल का सीरीज का सम है तो पहले ये वन का फैक्टोरियल है फिर टू का फैक्टोरियल है थ्री का फैक्टोरियल है फोर का फैक्टोरियल है ये एंथ तो टर्म तक जाएगा और उसका सम निकलेगा फिर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे वन का फैक्टोरियल वन है तो टू का फैक्टोरियल इंटू टू हो गया टू हो गया थ्री का फैक्टोरियल इंटू टू इंटू थ्री इक्वल टू हो गया six, four का इंटू फोर इक्वल टू ट्वेंटी फोर इस तरह एंथ टर्म तक ये जाएगा और इसका सम भी हमें प्रिंट करना है तो सीरीज के साथ साथ सम प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट मेन मेन फंक्शन डिक्लेयर दिए इंट नंबर ऑफ़ टर्म यूजर से इनपुट करवा लिए कितना नंबर ऑफ़ टर्म रहेगा वो फिर हम आज दे देते हैं फॉर लूप के लिए फैक्टोरियल के लिए ऐप इक्वल टू वन कर देते हैं चूँकि इनटू करना है अगर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से किसी को तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा इसलिए इसको हम वन से इनिशियलाइज किए और सम में हम जीरो इनिशियलाइज करते हैं किस लिए तो सम अगर वन रखेंगे तो वैल्यू वन इंक्रीज़ हो जाएगा और जीरो रहने पर सेम वैल्यू ही आएगा सिंपल है अगर वैल्यू नहीं देते तो वहां गार्बेज वैल्यू आता है इसलिए हम सबको जीरो से किए प्रिंट पे मैसेज देते हैं यूजर को इंटर नंबर ऑफ टर्म नंबर ऑफ़ टर्म यूज़र करने मैसेज दिया और उसको स्कैन एफ़ के सहायता से हम स्टोर कर देते हैं परसेंट डी कॉमा एम परसेंट नम में स्टोर कर दिए स्टोर कर करने के बाद अब हम क्या करना है सिंपल एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन और आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू नम कर देते हैं सिंपल फैक्टोरियल का सीरीज निकालना है सिंपल हो गया एफ इक्वल टू हम कर देते हैं एफ इन टू आई यानी आई का वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा और उसको प्रिंट करना है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे तो प्रिंट एफ परसेंट डी यहां हम कर देते हैं फोर डी यानी चार स्पेस रहेगा और प्रिंट हमें करना है एफ को सिंपल हो गया और सम निकालने के लिए हम कर देते हैं सम इक्वल टू सम प्लस एफ यानी जैसे जैसे फैक्टोरियल निकलेगा उसका सम निकालते जाना है एक के बाद एक और सम नीचे बाहर हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे जो सम आया उसको तो प्रिंट एफ पहले हम एक लाइन ब्रेक दे देते हैं सम ऑफ सीरीज यहां हम दे, दे, दे देंगे परसेंट डी डी कॉमा सम।, सम को प्रिंट करें अब इसको हम रन करके देखते नंबर देते हैं हम फाइव तो देख सकते हैं फाइव का फैक्टोरियल वन का वन हो गया फैक्टोरियल वन टू का फैक्टोरियल टू थ्री का फैक्टोरियल सिक्स फोर का फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर फाइव का फैक्टोरियल वन ट्वेंटी और उसका जो सम आया है वो वन टू वन फाइव थ्री आया है इसको आप सिंपल इसको समझने के लिए हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद नोट पैड में लाते हैं कर कर लेते हैं और इसमें पेस्ट दिए और सिंपल समझते हैं हमें फैक्टोरियल निकालना है जब फाइव तक अगर निकालना है तो सिंपल क्या हो जाएगा फर्स्ट टाइम वन का वैल्यू वन रहेगा तो वन इन टू वन आई का वैल्यू वन आएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा वन तो वन मेरा प्रिंट हो गया वन सिंपल प्रिंट हो गया और सम में क्या आएगा सम का पहले से वैल्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा यहाँ सम इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू जीरो प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा आपका वन समन हो गया फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा जब बढ़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटू टू इक्वल टू हो जाएगा आपका फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा टू फिर सम का वैल्यू क्या हो जाएगा सम प्लस टू इक्वल टू आएगा थ्री और यहां आपका प्रिंट हो जाएगा टू फिर सम का आई का वैल्यू इंक्रीज होगा जब आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू टू इंटू थ्री इक्वल टू आ जाएगा आपका सिक्स यानी फैक्टोरियल मेरा आ गया सिक्स तो फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा सिक्स प्रिंट होने के साथ यहाँ पे सम निकालेंगे तो सम इक्वल टू सिक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका नाइन सिंपल फिर क्या होगा यहाँ आई का वैल्यू बढ़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा फोर इंटू फोर मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू आ जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा सम होगा ट्वेंटी फोर तो इक्वल टू आ जाएगा थर्टी थ्री और यहाँ आपका आ जाएगा ट्वेंटी फोर प्रिंट हो जाएगा फिर आई का वैल्यू इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर फाइव हो जाएगा तो फाइव आ गया इक्वल टू तो आ जाएगा जैसे ही इंक्रीज हुआ और इन टू होके फाइव होगा तो इक्वल टू तो आ जाएगा आपका फाइव इक्वल टू आएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी आ गया वन ट्वेंटी यहाँ पे प्लस कर देंगे हम सम निकालने के लिए तो 153 हो गया और यहां 120 प्रिंट हो गया इस तरह क्या हो गया फैक्टोरियल भी आपका प्रिंट हो रहा है नंबर का और फैक्टोरियल सीरीज प्रिंट हो रहा है और आपका जो सम है वो भी हम लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं इसमें सिंपल है लॉजिक 1 से स्टार्ट करेंगे और नम तक जाएंगे जितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा उतना तक जाएंगे और पूरा प्रोग्राम आस्टा स्टेप का रन करते चल जाएगा तो प्रि... फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं